हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो क्या है वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। आज हम तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के इस 12 सालों को या कहें इन 3000 एपिसोड के रंगीन सफर के बारे में बताने वाले हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो भी इकलौता शो है जो हमें पिछले 12 सालों से हंसाते आ रहा है। पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग इस सीरियल को पसंद करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसे सीरियल है कि जिसे भारत का छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बड़े बुजुर्ग लोग भी जानते हैं और पसंद करते हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी इस सीरियल को जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी तब उन्होंने खुद तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को अपने साथ जोड़ा था और उनसे निवेदन किया था कि आप लोग अपने सीरियल के माध्यम से हमारे स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाएं और लोगों को प्रेरित करें। इस शो के सफल होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से सीरियल के अलग अलग कैरेक्टर जैसे कि जेठालाल, चंपक चाचा, पीड़े, माधवी भाभी, पोपटलाल, बबीता जी, अय्यर, मेहता सांडे, नटू काका, बागा, डॉक्टर हंसराज थे जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब ऐसे कैरेक्टर हैं कि इन लोगों के बिना सीरियल अधूरा सा लगता है। जो इन लोगों की कॉमेडी होती है उसमें जेठालाल और बबीता जी के जो सीन दिखाए जाते हैं उससे सब लोगों को बहुत मजा आता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल बहुत मेहनत और स्ट्रगल करके आज यहाँ पर पहुँची है। तारक मेहता के सभी कैरेक्टर आज हमारे सामने निखर के बाहर आ गए हैं। अगर पहले के एपिसोड में और आज के एपिसोड में बहुत सारा डिफरेंस है, यही चीज़ दिखलाती है कि सीरियल के मेकर से लेकर सीरियल में काम करने वाले सभी लोगों को बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले के एपिसोड में ऐसा लगता था कि सीरियल में कुछ तो मिसिंग है, लेकिन सीरियल मेकर ने टाइम के साथ अपडेट होते रहे और कैरेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आया जिसे आज हमें देखने में मज़ा आता है। कैरेक्टर की बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं जेठालाल और बबीता जी, जिनके बिना मानो कि सीरियल अधूरी है। जेठालाल का बबीता जी को देख के खुश होना सबको बहुत ही पसंद आता है। उसमें भी बबीता जी के सामने उनका पोपट होना वो तो और भी मज़ा आता है। जेठालाल की कॉमेडी की तो बात ही अलग है। क्या तारीफ करें दिलीप जोशी सर की, क्या एक्टिंग करते हैं वो। बाबूजी की हर बात पे डांट खाना, पीड़े के दाना सुनना, पीड़े पोपट और अय्यर की खिंचाई करना, और ख़ास बात तो वही है कि बबीता जी को देख के मन में लड्डू फूटना, दुकान में नटू काके की बकवास सुनना, और सबसे मेन बात मुसीबत आते ही सीधा अपने फायर ब्रिगेड के पास पहुँच जाना। ये सारी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। मैं तो जेठालाल का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी बातें निराली है, हम क्या तारीफ करें। उसके बाद आते हैं पीड़े और पोपटलाल, जिनका दो ही काम है, छोटी छोटी बातें पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेना और फालतू जगह पर पैसे खर्च करना और सही जगह पर कंजूसी करना। फिर भी इन दोनों की इन आदतों पर भी सीरियल देखने में मज़ा आता है। पोपटलाल का शादी के लिए रोना, छाते से पैर पड़ना, ऐसे अनोखी अनोखी चीज़ें देख के सीरियल देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सीरियल मेकर्स की यह बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक ही सेट पर शूट न करते हुए कुछ कुछ सालों में वो तो विदेश टूर भी जाते हैं, जिसे हम जैसे देखने वालों को भी मज़ा आता है और सीरियल में काम कर रहे लोगों को भी मज़ा आता है और उनका भी उत्साह बढ़ जाता है और अच्छे से वो काम करते हैं। हालांकि वही सबसे